Hello and welcome back, student, to the CLAT 2017 Math Section Solution Part 2. So let's begin without wasting any time. Question number 11 is this question. ये ध्यान दीजिएगा. ये question आप लोग option से बड़े आराम से कर सकते थे. आप कैसे कर सकते थे? ध्यान दीजिएगा. A piece of cloth cost 75 rupees. एक कपड़ा है आपके पास, उसकी cost 75 rupees. ठीक है, अब कॉस्ट के मेजर क्या है वो क्वेश्चन आगे पढ़ के मालूम चलेगा. विद अ पीस ऑफ क्लॉथ इज 4 मीटर लॉन्गर, 4 मीटर लंबा हो, एंड ईच मीटर कॉस्ट 5 रुपीज लेस, द कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड. मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट कैसे निकाली जा रही है, आप लेंथ जो है उसको पर मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो. ठीक है, तो लेंथ इंटू कॉस्ट पर मीटर, वो आपके पास 75 रुपीज है. क्लियर? फिर क्या बोला है, पीस इज 4 मीटर लॉन्गर, यानी कि लेंथ हो जाती है एल प्लस 4. ठीक है, और कॉस्ट पर मीटर जो है वो 5 रुपये लेस हो जाती है. कॉस्ट पर मीटर क्या हो जाती है आपके पास, -5 हो जाती है, तो अभी कॉस्ट क्या आती है, 75 ही आती है. पूछा आपसे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पीस. देखिए यहाँ से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा क्वेश्चन. थोड़ा जल्दी करने के लिए आप लोग ऑप्शन हिट कर सकते हो. कैसे, अगर इसकी लेंथ 12 मीटर होती है, ठीक है, एल इंटू कॉस्ट पर मीटर मेरे पास 75 है. अगर लेंथ 12 मीटर होती है तो कॉस्ट पर मीटर कितना हो जाएगा, 75 बाय 12 हो जाएगा. 75 बाय 12 अगर आप करते हो तो कितना होता है बताइए. 75 बाय 12 अगर आप करते हैं तो देखिए 3 से कट करते हैं, ये होता है 25, ये होता है आपके पास कितना 4, 6.25 हो जाएगा. क्लियर? अच्छा, अब आपको क्या बोला है, लेंथ इज 4 मीटर लॉन्गर, तो 16 मीटर कर दीजिए, और प्राइस को आप क्या कर दीजिए, 5 रुपीज़ लेस कर दीजिए, तो 1.25 हो जाएगी. क्या इसको मल्टीप्लाई करने पे वापस 75 आ जाएगा? नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता. 8 मीटर का केस देखते हैं. अगर लेंथ 8 मीटर होती है, ठीक है, लेंथ आपकी कितनी होती है, 8 मीटर होती है, तो कॉस्ट 75 बनाने के लिए क्या आपको रेट रखनी पड़ती है, 75 बाय 8 रखनी पड़ती है. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 9.375 आता है. ठीक है, नाउ लेंथ इज 4 मीटर लॉन्गर, तो लेंथ आपने 12 कर दी, एंड कॉस्ट इज 5 रुपीज लेस, तो अगर इसको 5 रुपीज लेस करते हैं कितना होता है, 4.375. देखिए 12 फोर जा जो होगा वो नियरली 48 होगा, और 0.35 करके भी आप लास्ट टू लास्ट इसको 50 या 51 तक ले जा पाओगे, 75 तो नहीं ले जा पाओगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं. अगर लेंथ 10 मीटर होती है, 75 रुपीज़ बनाने के लिए 7.5 रुपये पर मीटर आना चाहिए कपड़ा. ठीक है, कॉस्ट आपकी 7.5 रुपीज़ पर मीटर आनी चाहिए. लेंथ अगर आप 4 मीटर लंबी करते हो, तो यानी 14 कर देते हो, और कॉस्ट आप 5 रुपीज़ लेस करते हो, यानी कि कितनी करते हो, 2.5 करते हो. देखिए इनको मल्टीप्लाई करने में 14 2 28 और उसके बाद लास्ट में आप 35 तक जाओगे, 75 तक फिर भी नहीं ला पाओगे, तो तीन ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो चुके हैं. बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन. देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यही आंसर हो और यही आंसर होगा. कैसे भाई, लेंथ है आपके पास 6 मीटर और 75 रुपीज का टोटल प्राइस होना चाहिए, तो कॉस्ट पर मीटर कितनी आती है, 75 बाय 6 यानी कि 12.5 रुपीज पर मीटर. डिवीजन आपको थोड़ा क्विक होना चाहिए यहाँ पर. पीस इज 4 मीटर लॉन्गर, तो पीस 6 की जगह कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, एंड कॉस्ट इज 5 रुपीज लेस, तो 12.5 का 5 रुपीज लेस कीजिए, 7.5 हो जाएगा. क्या वापस मल्टीप्लाई करते 75 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा. और मैंने आपको बताया है जितने भी आपके ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप चेक करते हो तो यू ऑलवेज हैव टू चेक फ्रॉम दी ऑप्शन नंबर डी. अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं तो पहला ही हिट आपका आंसर हो जाता है, एंड यू वुड हैव मूव्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली कंपेरिजन टू दी अदर स्टूडेंट, जो कि टाइम वेस्ट कर रहा है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में, या फिर वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है पैरेलल लीनियर इक्वेशन बनाने में, या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है ऑप्शन नंबर 1, 2 या 3 से आने में. ठीक है, तो एक स्टूडेंट के नजरिए से अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. एक बच्चा एग्जाम के अंदर किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, आपको स्मार्ट वर्क करना है. ट्रिकी क्वेश्चन का हमेशा यही अप्रोच रहता है कि ट्रिकी क्वेश्चन यूजुअली आपके ऑप्शन से हिट हो जाते हैं, और जब भी आप ऑप्शन से हिट करते हैं तो आपको हमेशा ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, ये टिप है, इसको आप जो समझना चाहें, बड़े भाई की सलाह समझना चाहें, जो समझना चाहें समझ लीजिए, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रवीण हैज 4662, ये रुपीज हैं, वैल्यू है, इन फॉर्म ऑफ 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज नोट्स. ठीक है, तो उसके पास तीन तरह के नोट है, 2 रुपए का नोट है उसके पास, 5 रुपए का नोट है, उसके पास 10 रुपए का नोट है. ठीक है, इफ दीज नोट्स आर इन द रेशो, ये किस चीज का रेशो है, नोट्स का रेशो. और नोट्स में अगर रेशो का कोई स्पेसिफिक नहीं है तो हम लोग किसको मानते हैं, नंबर ऑफ नोट्स का रेशो मानते हैं. ठीक है, केवल उनके नंबर का रेशो है. नंबर ऑफ नोट्स का रेशो क्या है, 3:5:8. अगर आपके पास नंबर का रेशो है तो क्या आप नंबर के रेशो से इस वैल्यू को डिवाइड कर सकते हो, ये तो वैल्यू है, नंबर के रेशो से आप कभी वैल्यू डिवाइड नहीं कर सकते. तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को डिवाइड करने के लिए वैल्यू का रेशो बनाना पड़ेगा. तो वैल्यू का रेशो बनाने देते हैं, चलिए आपको वैल्यू ऑफ नोट्स का रेशो बनाना पड़ेगा.
पड़ेगा, तो हम लोग वैल्यू का रेशो बनाते हैं। तीन नोट हैं आपके पास 2 रुपए के, तो आपके पास कितने रुपए हो गए? 6 रुपए हो गए, समझ में आया? अगर आपके पास 5 नोट है 5 रुपए के, तो कितने रुपए हुए आपके पास? 25 रुपए हो गए। अगर आपके पास 8 नोट है 10 रुपए के, तो हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव? 80 रुपीज। ये आपका वैल्यू का रेशो बन गया। और वैल्यू के रेशो से वैल्यू को डिवाइड किया जा सकता है। कैसे डिवाइड करोगे आप? इन सबको प्लस कर लीजिए, इनको प्लस करते हैं। देखिए होता है आपके पास 105 + 6, दैट इज 111, और इसका टोटल है आपका 4662। तो मल्टीप्लाई निकालिए आप लोग। तो आप क्या करेंगे, 111 से 4662 को डिवाइड करेंगे। 4 टाइम्स क्या होता है, 444 होता है 22, और ऊपर से आपका 2 और आ गया 42 टाइम्स। तो हर चीज़ किससे मल्टीप्लाई होगी? 42 से। 42 × 6, 42 × 25, 42 × 80। 42 का 6 टाइम्स करते हैं, चलिए 252 हो जाता है। तो आपके पास 252 रुपीज़, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 2 रुपये के नोट से आ रहा है। 42 को आप 25 से करते हैं, तो 1050 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। 42 को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका कितना होता है? 3360, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। अब क्रॉस चेक करने के लिए सबको प्लस भी करके देख लीजिए वापस, इतने रुपए बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्वेश्चन ने पूछा क्या, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, आपके पास कितने नोट हैं 5 रुपए के? अगर आपके पास 5 रुपए के नोट से 1050 रुपए हैं, तो आपको पता है कि एक नोट में 5 रुपए होते हैं, तो 1050 रुपी बनाने के लिए कितने नोट लेने पड़ेंगे? डिवाइड करके देख लीजिए, 210 नोट लेने पड़ेंगे। तो यू शुड हैव 210 नोट्स, सो दैट यू हैव 1050 रुपीज इन इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपी नोट्स। तो आपका जो आंसर होता है, होता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये आपका काफ़ी बार पढ़ाया जाता है रेशो प्रोपोर्शन के अंदर। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इफ यू गुड प्रैक्टिस ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, तो वहाँ बड़े आराम से ये क्वेश्चन बहुत मिलते हैं हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का केस आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस से। ट्रेडर सेल्स राइस एट प्रॉफिट ऑफ 20%। ये बेशरम होता है जो दोनों तरफ से आपके मजे लेता है। देखिए किस तरह से, अ ट्रेडर सेल्स राइस एट प्रॉफिट ऑफ 20%, यूजेस वेट विच आर 10% लेस देन दी करेक्ट वेट। तो जब भी आप लोग इस तरह का केस लेते हैं, तो आप लोग हमेशा जो आपका जो क्या बोलते हैं बेस रखते हैं, वो बेस आप रखते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, कि 1 किलो के कंपेरिजन में कितना आपको मिल रहा है और कितने के पैसे आपको देने पड़ रहे हैं। तो जो आपको मिल रहा होगा, ठीक है, और जो आपको पैसे देने पड़ रहे होंगे, उनको बारे में एक तरफ कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, एक तरफ उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। जो शॉपकीपर है वो 10% लेस वेट यूज़ कर रहे हैं, तो 1000 ग्राम में अगर वो 10% लेस यूज़ करेगा, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन की एक ट्रिक है कि जो भी गड़बड़ वेट में होती है वो कॉस्ट प्राइस में जाती है। मैं रिपीट कर देता हूँ स्टेटमेंट, जो भी गड़बड़ वेट में होती है वो आपकी कॉस्ट प्राइस में चली जाती है। क्लियर? तो अगर आपने 10% लेस किया वेट में, तो 1000 का 10% कितना होता है? 100 हो जाता है। और अगर आप 100 लेस करते हो 1000 में से, तो कॉस्ट प्राइस आपके कितना आता है? 900 ग्राम। तो उसकी जो दुकान से कॉस्टिंग निकल रही है वो 900 ग्राम की निकल रही है, मतलब उसकी दुकान से सामान कितना जा रहा है? 900 ग्राम ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन वो पैसे आपसे कितने के ले रहा है? 20% प्रॉफिट और ले रहा है। देखिए यहाँ पर 20% प्रॉफिट निकालिए, 1000 में अगर 20% प्रॉफिट लिया, तो 200 ग्राम का प्रॉफिट लिया, तो आपसे पैसे कितने के लिए उसने? आपसे पैसे लिए 1200 ग्राम के, समझ में आई चीज़? तो आपको जो प्राइस जो आर्टिकल दिया जा रहा है वो 900 ग्राम दिया जा रहा है, और पैसे आपसे 1200 ग्राम के लिए जा रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट कितने का है यहाँ पर शॉपकीपर का? 300 ग्राम का प्रॉफिट है। इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट, देन इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट आपका 300 ग्राम्स का अपॉन कॉस्ट प्राइस 900 ग्राम की है इनटू 100, इट इज़ 1/3। और जैसे ही आपका 1/3 बनता है परसेंटेज में, इट इज़ ऑलवेज 33 1/3%। क्लियर? तो आपका जो आंसर होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। एक वेसल है, कितनी लीटर की है पता नहीं, लेकिन मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 5:3 है। टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी सिफॉन्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड, मतलब इसमें से कितना निकालें और वापस रिप्लेस करें, किससे? विद वाटर से। निकालोगे तो मिक्सचर और डालोगे क्या? सिर्फ पानी, ध्यान रखना। सो दैट मिक्सचर में भी हाफ मिल्क हाफ वाटर, तो लास्ट में क्या होना चाहिए? हाफ मिल्क हाफ वाटर, यानी रेशो 1:1 हो जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपका रेशो प्रोपोर्शन में पढ़ाया जाता है, मिक्सचर एलिगेशन में भी पढ़ाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी जो कंडीशन है फर्स्ट 5:3, ये इनिशियल कंडीशन है, और 1:1 आपकी फाइनल कंडीशन है। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। इनिशियली क्या था आपके पास? मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 था, फाइनली आपके पास रेशियो 1:1 हो गया। रेशियो चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ? आपने मिक्सर निकाला
और उसी जगह सिर्फ क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो जब भी आपके पास इस तरह का रिप्लेसमेंट का केस हो कि आप एक मिक्सचर निकाल रहे हो और एक मिक्सचर में आप लोग वापस मिक्सचर ना मिला के एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ मिला रहे हो, तो उस केस में आप लोग क्या करते हो, उस चीज़ पे काम कर सकते हो जिस पे जिसका एडिशन नहीं किया गया है। आपने किसका एडिशन किया है, वाटर का, तो आप किस पे काम कर सकते हो, मिल्क पे काम कर सकते हो यहाँ पर। समझ में आई बात? ठीक है, आप कैसे काम कर सकते हो इस केस में। मिल्क के लिए जो फॉर्मूला एक सेटिस्फाई होता है वो क्या होता है, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 1 - x / c^n। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये x क्या है, c क्या है, n क्या है, बता देते हैं आपको। x क्या है, x इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टेकन आउट एट अ टाइम, एक बार में कितना निकाला। आपको बताया क्या क्वेश्चन, एक बार में कितना निकाला, नहीं बताया ना, यही तो पूछा। सी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, कितनी बार वो आपने वो ऑपरेशन किया। ओके कितनी बार किया, आपने एक ही बार किया तो एन का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर, कि इस मिक्सचर का कितना पार्ट निकाले, यानी एक्स बाई सी की ही वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो अब मिल्क का फाइनल क्वांटिटी कितना है, मिल्क का फाइनल क्वांटिटी है 1 out of 2, तो ये हो गया 1/2। अगर फ्रैक्शन में बात करो तो कि 2 में से 1 क्या है, मिल्क है, तो रेशियो क्या बनेगा, 1/2 फाइनल क्वांटिटी का मिल्क। मिल्क इनिशियल क्वांटिटी मिल्क क्या थी, ये 5 यूनिट था आउट ऑफ 8, तो क्या हो जाएगा 5/8 इंटू 1 - x / c, power 1 आपने कर दी, 2 से कट करते हैं 4 हो जाता है, 4 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे चला जाएगा, तो 4/5 1 - x / c नेगेटिव है, इस तरह जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स बाई सी की जो वैल्यू आती है दैट इज 1 - 4/5 = 1/5। मतलब अगर ये 1/5 होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, अगर कंटेनर की कैपेसिटी 5 लीटर है तो आपको 1 लीटर एक बार में मिक्सचर निकालना है, तो इट इज 1/5 ऑफ द मिक्सचर, फर्स्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, आगे आपके कहीं काम आए तो। ओके, हमारा यही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि जो बच्चे जितने ज़्यादा बच्चों को यहाँ फायदा पहुँचाया जा सके हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा साथ दीजिए हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ फादर 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो अभी प्रेजेंट में चल रहा है 2019, 10 ईयर्स अगो क्या चल रहा था, 2009 चल रहा था। फादर की जो एज थी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, फादर की एज क्या थी, 3 टाइम्स थी। आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब आज से 10 साल बाद 2029 की बात हो रही है, फादर्स एज इज ट्वाइस दैट ऑफ सन, यानी 2:1 हो जाएगी। रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, आज उनका रेशियो क्या है। काफी बच्चे इसको काफी तरीके से करते हैं, कुछ एक्स से करते हैं, कुछ विदाउट एक्स से करते हैं। चलिए एक्स वाला अप्रोच देख लेते हैं हम लोग, आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। अगर आप 2009 से स्टार्ट करते हो, ठीक है, ये मैंने प्रेजेंट ईयर माना है मेरा, ठीक है, 2009 में जाते हो, तो 2009 में फादर और सन की एज का रेशियो क्या था, 3:1 था। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, फादर की एज क्या थी, 3x थी, और सन की एज क्या थी, x थी। क्लियर, ये बात तो होगी। अब आप आ जाओ 2029 में, क्योंकि अगला रेशियो उसी साल का गिवन है। 2009 से जब आप 2029 में आओगे तो 20 साल निकल जाएंगे, मानते हो, और जब 20 साल निकल जाएंगे तो फादर की एज 20 साल बढ़ जाएगी और सन की भी एज 20 साल बढ़ जाएगी। तो अब फादर कितने साल के हो जाएंगे, 3x + 20, और सन कितने साल का हो जाएगा, x + 20। और ये जो रेशो है 29 का फादर और सन का, वो कितना है, 2:1 है। कंपेयर कर दो दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3x + 20 ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 40 हो जाएगा। तो आपके पास ये देखिए, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना था आपके पास, 20। अगर x का वैल्यू 20 है तो फादर जो 2009 के में थे वो 60 ईयर्स के थे और सन जो था वो 20 ईयर्स का था। ये कब की बात है, 2009 की, फादर की एज थी 60 और सन की एज थी 20। प्रेजेंट में जब आप आते हो फादर हो जाएंगे 70 के, 19 में 10 साल निकलते हैं और सन के भी 10 साल बढ़ जाएंगे, यानी कि 30 ईयर्स का। इनका रेशो पूछा है, क्या रेशो हो जाएगा, 7:3, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्ड एंड कॉपर आर एज हैवी एज वाटर बाय 19 and 9 times, डेंसिटी बताई गई है आपको, द रेशो ऑफ मेटल्स, यानी कि किस वॉल्यूम से मिलाया जाए ताकि वो 70 times हो जाए। एक तरफ गोल्ड है, एक तरफ कॉपर है, वाटर के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी क्या है, इसकी 19 है और इसकी 9 है। इनको मिलाना है और मिलाने के बाद एक ऐसा मिक्सचर बनाना है जिसे वो 17 टाइम्स हो, उसकी डेंसिटी 17 हो। जब भी मिक्सिंग की बात होती है वो एलिगेशन पे चला जाता है, ठीक है, तो मिक्सिंग में आप एलिगेशन यूज़ कर सकते हो। 19 और 17 का डिफरेंस, एलिगेशन में क्या करते हो आप, क्रॉस में डिफरेंस लेते हो, तो 19 और 17 का डिफरेंस कितना है, 2, 9 और 17 का डिफरेंस कितना है, 8, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये रेशो आपका किसका आ जाएगा, इनके वॉल्यूम का यानी क्वांटिटी का, 4:1, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा,
बहुत इजी क्वेश्चन था, एलिगेशन अगर आपने पढ़ रखा है तो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अ क्लॉक वॉज सेट करेक्ट एट 12 o'clock, यानी 12 बजे एग्जैक्ट उसको करेक्टली कर दिया गया था। इट लूजेस 10 मिनट्स पर आवर, मतलब ये हुआ कि लूज करने का मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट में वो 50 मिनट ही चल पाती हैं। लूज तो तभी करेगी, गेन करती तो ज़्यादा चलती, लूज कर रही है तो कैसे चलेगी, कम चलेगी। तो अगर टाइम एक्चुअल में 60 मिनट का निकलता है तो वो कितना चल पाती है, 50 मिनट चल पाती है। वट विल बी एंगल बिटवीन द आर एंड मिनट एंड ऑफ द क्लॉक आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद उनके बीच में एंगल क्या होगा। अगर 12 बजे आपने करेक्टली सेट किया तो 1 बजे वो 1 बजे का टाइम नहीं दिखा रही, वो दिखा रही है 12:50। क्यों? क्योंकि वो आपका 1 घंटे में 10 मिनट लूज करती है, तो वो आपका टाइम कितना दिखा रही है, 12:50 का दिखा रही है। अब आपको इसमें निकालना है क्या एंगल क्या रहेगा। तो एंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताइए, अगर आपने पढ़ा हो कहीं पर, तो एंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 60 इंटू आवर्स माइनस ये आपका होता है 11 इंटू मिनट्स, ठीक है, डिवाइड बाई 2। 60 इंटू आवर्स, तो आवर्स आपके पास 12 है, 60 इंटू 12 कर दीजिए कितना होता है 720, माइनस 11 इंटू मिनट्स यानी कि 550 डिवाइडेड बाई 2, 0 से 0 हो गया माइनस, ये आपका माइनस होता है 7 होता है, ये आपका होता है 1/2, 85 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 37 1/2 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। ए और बी ये भरता है 37 1/2, 37 1/2 का मतलब हो गया 75/2। ओके, तो ए का टाइम जो है फिलिंग का वो है 75/2 मिनट्स और बी का जो टाइम है वो है 45 मिनट्स। ठीक है, जब आपके पास दोनों का टाइम आ चुका है तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने से क्या होता है, हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क आ जाता है। अब 75/2 का और 45 का एलसीएम लेना है, हाउ डू वी टेक एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। जब भी हम लोगों को एलसीएम लेना होता है फ्रैक्शंस का, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमेटर्स का एचसीएफ लेते हैं। 75 और 45 का आप लोग लीजिए एलसीएम, वो आपके पास आता है 225, ठीक है, और एचसीएफ आप लीजिए तो वो आपके पास कितना आता है, 1 आता है, तो एलसीएम आपके पास आ गया 225। तो अमाउंट ऑफ वर्क जो करना है वो करना है 225 करना है। ठीक है, अब 75/2 मिनट में अगर 225 वर्क किया तो 1 मिनट में करेगा 6 मिनट, 75 से डिवाइड करते हो 3, 2 से मल्टीप्लाई करते हो 6 हो जाता है। 45 मिनट में अगर 225 किया तो 1 मिनट में कितना करोगे, 5। 1 मिनट के काम को एफिशिएंसी कहेंगे। अब आगे कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। बोथ टैप्स आर ओपन आफ्टर सम टाइम बी इज टर्न्ड ऑफ, आपने कुछ देर के बाद बी को टर्न ऑफ कर दिया। द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड इन 30 मिनट्स, पूरा टैंक 30 मिनट में भर गया था। आपको ये बताना कितनी देर के बाद आपने बी को बंद कर दिया। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, कौन से टैप को बंद किया है, आपने बंद किया है टैप बी को, ठीक है, आपने किसको बंद नहीं किया है, आपने बंद नहीं किया, किसको नहीं किया, ए को बंद नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो टैप चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, ए चल रहा था। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितना टाइम हुआ, 30 मिनट हुआ, यानी पूरे 30 मिनट तक कौन चल रहा था, अकेला ए चल रहा था। अच्छा, ए जो है वो 1 मिनट में 6 यूनिट कर देता है काम, तो 30 मिनट में कितना कर देगा, ये आपका 30 मिनट में कर देता है कितना बताइए, 6 × 30 दैट इज 180 यूनिट। तो ए का जो कंट्रीब्यूशन है 225 में वो कितने का है, 180 का है। तो बी का कंट्रीब्यूशन कितना बचा, 225 माइनस 180 यानी कि 45। अब ये जो काम है ये किसकी जिम्मेदारी है, बी की। वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम, वर्क जो बी का है 45, एफिशिएंसी जो बी की है 5, तो कितना टाइम हो जाएगा, 9 मिनट। तो बी जो है कितनी देर काम कर पाता है, 9 मिनट ही काम कर पाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 मिनट। जब भी आपका टर्न ऑफ का केस आ रहा है तो आप लोग हमेशा ये देखिए कि किसको बंद नहीं किया गया है, और जिसको बंद नहीं किया गया है वो शुरू से लेकर एंड तक चलता ही रहता है। तो उस बेसिस पर आपने उस चलते हुए नल का जो टैप का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो माइनस कर दिया, तो बचा हुआ काम है वो बचे हुए टैप की जिम्मेदारी हो जाएगी। ओके क्लास, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, काफ़ी बच्चे परेशान थे कि सर ये कॉन्सेप्ट तो किसी ने में पढ़ाया ही नहीं है, या फिर जिन्होंने पढ़ा भी था उनको याद भी नहीं था। ठीक है, देख लेते हैं इसको। द बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है, बैंकर डिस्काउंट आपका एसआई पे जो होता है उसे ही बैंकर डिस्काउंट कहते हैं। ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 18 मंथ्स इज 600 रुपीज, तो बैंकर्स डिस्काउंट जो है 18 मंथ्स के लिए, यानी मैं बोल सकता हूँ 1.5 ईयर्स के लिए, 1.5 साल के लिए कितना है, 600 रुपीज है। एंड द ट्रू डिस्काउंट जो एक्चुअल में जो है वो कितना है, 3 ईयर्स 75। ट्रू डिस्काउंट कितना है आपके पास, 3 ईयर्स का 750। तो पहले तो टाइम इक्वल कीजिए, 1.5 और 3 को कैसे इक्वल करोगे, इसको इंटू 2 कर दो, तो आप क्या बोल सकते हो, बैंकर डिस्काउंट 3 ईयर्स का कितना है,
1200 रुपीज़ है, ऐसा ही है, वो तो प्रपोर्शन में बढ़ जाता है। तो बैंक का डिस्काउंट हो गया 3 साल का 1200, ट्रू डिस्काउंट हो गया 3 साल का 750। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल निकाल सकते हो अपना। क्या फॉर्मूला होता है हमारे प्रिंसिपल का, जब आपके पास बैंक का डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट हो, तो सीधा फॉर्मूला ध्यान रखिए, बैंकर्स डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय ट्रू डिस्काउंट अपॉन बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। नहीं है फॉर्मूला याद तो लिख लीजिएगा, काम आएगा आप लोगों को। बैंकर डिस्काउंट कितना है 1200, ट्रू डिस्काउंट कितना है 750, अपॉन दोनों का डिफरेंस कितना है 450 का। 0 से 0 15, 5 जा 15, 3 जा 3 से कट करते हैं कितना होता है 400। कितना होता है प्रिंसिपल 2000 रुपीज़। प्रिंसिपल आपके पास आ गया, रेट पूछिए, प्रिंसिपल है आपके पास, टाइम है आपके पास, इंटरेस्ट है, क्या निकालना है, रेट निकालना है, निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई आपके पास 1200 है, प्रिंसिपल आपके पास 2000 है, रेट आपको पता नहीं, टाइम इज 3 ईयर्स अपॉन 100। 0 से 0 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट हो सकता है, 6 से कट करते हैं 20, तो रेट इज 20%। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला पता है जिस बच्चे को, उसको पता है, वो क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज अगर आपने टाइम वेस्ट किया है तो वो गलती है आपकी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ए प्लस बी का टाइम लेते हैं तो वो आता है 12 डेज, बी प्लस सी इन 8 डेज, बी और सी का जो टाइम है वो है 8 डेज का, सी एंड ए का जो टाइम है वो है 16 डेज का। तो सी एंड ए का टाइम है 16 डेज का। आपके पास टाइम आ चुका है, टाइम का आप ले लीजिए एलसीएम। आपने जैसे एलसीएम लिया तो आपके पास आता है 48, ठीक है, ये वर्क हो जाएगा जो कि हमारा एलसीएम से आया है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब एलसीएम ले लेते हैं तो वर्क हमारा किस में चलाता है, एक नंबर में चलाता है, और इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। 12 डेज में अगर आपने 48 किया तो एक दिन में आप कितना करोगे 4, 8 डेज में अगर 48 किया तो एक दिन में करोगे 6, 16 डेज में अगर 48 होता तो एक दिन में होता है 3, और एक दिन के काम को एफिशिएंसी कहते हैं टाइम एंड वर्क की लैंग्वेज में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है, बी और सी का एफिशिएंसी 6 है, सी और ए का एफिशिएंसी 3 है। तीनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो ट्वाइस होगा किसके इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 3 13। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आती है आपके पास एफिशिएंसी की, वो आती है 6.5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4th। फोर्थ इक्वेशन से अगर आप फर्स्ट इक्वेशन माइनस करते हो तो देखिए बी से बी माइनस हो जाएगा, ए से ए माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ सी, और 6.5 से 4 माइनस हुआ तो 2.5, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 2.5 है, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन से अगर आपने सेकंड इक्वेशन माइनस की तो देखिए बी से बी माइनस हो जाएगा, सी से सी माइनस हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा सिर्फ आपके पास 6.5 से अगर 6 माइनस हुआ तो 0.5। इन द सिमिलर फैशन फोर्थ से आप थर्ड माइनस कीजिए, सी से सी माइनस हो जाएगा, ए से ए माइनस हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना आता है 6.5 माइनस 3, दैट इज 3.5। अब हमारे पास सबकी इंडिविजुअल वैल्यू आ गई है, क्वेश्चन ने कहा क्या है हमसे वो उस पर ध्यान देते हैं। ये तक हमारा काम जो था वो एफिशिएंसी निकालने के लिए था। अब आगे बात करते हैं लॉजिक की। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज, 3 दिन के बाद ए जो है वो नहीं है। इन हाउ मेनी डेज मोर बी एंड सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, जितनी उसकी एफिशिएंसी है 0.5, तो वो 3 डेज में कितना काम करेगा, 3 × 0.5 दैट इज 1.5। टोटल काम करना कितना है तीनों को 48, तो 48 में से अगर 1.5 चला गया तो बचा कितना 46.5। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी और सी की, बी की और सी की, और बी और सी की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है 2.5 प्लस 3.5 यानी कि 6 है। बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे देख लीजिए आपके पास कितनी है 6 है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो गया वर्क और ये हो गई एफिशिएंसी। जब भी वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टाइम आता है, तो टाइम आ जाएगा, पॉइंट हटा दीजिए नीचे 0। 15 के टेबल से होता है 4, 15 के टेबल से होता है 3 क्योंकि 45 हो गया, फिर 1 बचता है तो 1 31। सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो इट इज 7 3/4 डेज, लेकिन इसका आंसर 7 3/4 डेज नहीं है। 7 3/4 डेज जो है टाइम टू कंप्लीट, टाइम टू कंप्लीट टोटल वर्क है ये। टोटल वर्क क्यों है, क्योंकि जब शुरू के ए 3 दिन ए ने काम किया है उस दिन कहीं ऐसा तो मेंशन नहीं है कि बी और सी ने काम नहीं किया, कहीं मेंशन है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि ए बी और सी ने
पहले साथ में काम किया, 3 दिन जब हो गए तब ए छोड़ के चला गया, उसके बाद बी और सी ने काम फिनिश किया है। तो ये जो टाइम आता है आपका, ठीक है, ये हमेशा कौन सा टाइम आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इट इज ऑलवेज द टाइम टू कंप्लीट द टोटल वर्क। और अगर आपको रिमेनिंग वर्क का टाइम निकालना है तो रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए टोटल डेज में से आप ये इसके एक एक दिन माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए, कितना होता है, 4, 3/4 डेज, दिस इज द टाइम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क जो कि बी और सी ने किया है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। सही आंसर निकालने के बाद कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर 1 मार्क कर सकते हैं, डेफिनेटली गलत होगा। ट्रिकी क्वेश्चन में गलत ऑप्शन पहले होता है, करेक्ट आंसर बाद में होता है, ऐसा मैं काफी बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ। अगर नहीं जानते हो तो एक बार फिर सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लैट 2017 का आपने यहाँ पर एनालिसिस देखा, क्वेश्चन आपने देखे, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी अच्छी कैलकुलेशन की डिमांड करते थे। तो यहाँ पर मैं जो क्लैट का वही बात है कि कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी पढ़ के आओ लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी करके आओ, ठीक है, क्योंकि यही होता है क्लैट के पेपर में, मैथ्स के सेक्शन में हमेशा कॉन्सेप्ट आपसे कोई ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ बहुत ज्यादा हैवी पूछ रहे हैं जितना SSC बैंक लेवल में पूछा जाता है, नहीं, आपसे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी पूछा जाता है हमेशा, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को किस में आती है, कैलकुलेशन में आती है। अब बच्चे पूछते हैं सर हम कैलकुलेशन कैसे करें, सर हम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। देखिए भाई बात ऐसी है, आप एक कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम ऐसा जहां पर करीब 2,500 सीटें, ठीक है, 2,500 सीटें के लिए 70 से 80 हज़ार बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है। एवरी डे यू स्टडी, एवरी डे यू बीट 2 to 3 स्टूडेंट्स, तब जाके आप किसी लायक होते हैं एक NLU की सीट के लिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स और चलते फिरते कभी कभी फॉर्मूलास, और फॉर्मूला भी कौन से, पहले सबसे पहले याद कीजिएगा नंबर सिस्टम के, ठीक है। नंबर सिस्टम काफ़ी वाई आपका बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। इस पर अगर आपने ध्यान दिया, अच्छे से कमेंट आपने बना ली, तो बाकी चैप्टर में इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है क्लास। तो ये आपका मॉक एनालिसिस। अच्छा, अब यहाँ पर एक सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, एक अच्छे एक सिंसियर बच्चे के लिए जो भी पूरे साल पढ़ रहा है तो वो कितने क्वेश्चन कर सकता था यहाँ पर, उस बच्चे के लिए यहाँ पर जो सेफ अटेम्प्ट रहेंगे वो रहेंगे आराम से 12 मिनट के अंदर 12 क्वेश्चन, ठीक है। 12 क्वेश्चन उसको इजीली करने चाहिए थे, यहाँ पर नहीं कर पाए हो तो इसका मतलब यू हैव लैक ऑफ कॉन्सेप्ट एंड लैक ऑफ कैलकुलेशन, इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर अगर आपका है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, थैंक यू।